तो आप देख सकते हैं करनाल पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि करनाल के सेक्टर 13 में 15 से 20 लड़के हाथों में डंडे लेकर घूम रहे थे, जिससे लोगों में दहशत थी। और उसके बाद पुलिस की टीमें लगातार उन लड़कों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला रही हैं। लगातार सेक्टर 13 की गली गली में पुलिस घूम रही है, ताकि उन लड़कों का कुछ ना कुछ सुराग लगाया जा सके। लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि 15 से 20 लड़के पहले हाथों में डंडे लेकर एक फाइनेंस दफ्तर में जाते हैं, और उसके बाद डंडे लेकर हाथों में ही करनाल के सेक्टर 13 में अलग अलग गली में जाते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर लिया है। इस बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। यहाँ को गैदरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ को गैदरिंग मिली नहीं। कोई लाठी लूठी हथियार वाले बता रहे थे यहाँ आए हैं? देखो आप मौके पे कोई ऐसा मिला नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो अभी यहाँ कोई ऐसी बात तो रूटीन चेकिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी। पर ऐसे अब जो आचार संहिता लग रही है, इसमें हथियार लेके या डंडे लाठी लेके ऐसा कोई करेगा तो सख्त कार्रवाई। आम जनता है क्या कहेंगे, इस तरह की कार्रवाई ना करें? नहीं, बिल्कुल आम जनता से हमारी अपील आचार संहिता के दौरान आचार संहिता का पालना करें, और प्रशासन का इसमें कोई भी हथियार या लेकर ना चले। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार संहिता के अंदर जो भी आचार संहिता की नियमावली है उसको पालना करें। सर, जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर जो है 10 से 20 लड़के जो डंडे लेके खड़े हुए थे, ऐसा जो जानकारी जिसके अकॉर्डिंग आए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं। अगर ऐसा हो तो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं उन लड़कों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं करनाल पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि करनाल के सेक्टर 13 में 15 से 20 लड़के हाथों में डंडे लेकर घूम रहे थे, जिससे लोगों में दहशत थी। और उसके बाद पुलिस की टीमें लगातार उन लड़कों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला रही हैं। लगातार सेक्टर 13 की गली गली में पुलिस घूम रही है, ताकि उन लड़कों का कुछ ना कुछ सुराग लगाया जा सके। लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि 15 से 20 लड़के पहले हाथों में डंडे लेकर एक फाइनेंस दफ्तर में जाते हैं, और उसके बाद डंडे लेकर हाथों में ही करनाल के सेक्टर 13 में अलग अलग गली में जाते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर लिया है। इस बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। यहाँ को गैदरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ कोई गैदरिंग मिली नहीं। कोई लाठी लूठी हथियार वाले बता रहे थे यहाँ आए हैं? देखो आप मौके पे कोई ऐसा मिला नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो अभी यहाँ कोई ऐसी बात तो रूटीन चेकिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी। पर ऐसे अब जो आचार संहिता लग रही है, इसमें हथियार लेके या डंडे लाठी लेके ऐसा कोई करेगा तो सख्त कार्रवाई। आम जनता है क्या कहेंगे, इस तरह की कार्रवाई ना करें। नहीं, बिल्कुल आम जनता से हमारी अपील है आचार संहिता के दौरान आचार संहिता का पालना करें, और प्रशासन का इसमें कोई भी हथियार या लेकर ना चले। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार संहिता के अंदर जो भी आचार संहिता की नियमावली है उसको पालना करें। सर, जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर जो है 10 से 20 लड़के जो डंडे लेके खड़े हुए थे, ऐसा जो जानकारी जिसके अकॉर्डिंग आए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं। अगर ऐसा हो तो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं उन लड़कों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं करनाल पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि करनाल के सेक्टर 13 में 15 से 20 लड़के हाथों में डंडे लेकर घूम रहे थे, जिससे लोगों में दहशत थी। और उसके बाद पुलिस की टीमें लगातार उन लड़कों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला रही हैं। लगातार सेक्टर 13 की गली गली में पुलिस घूम रही है, ताकि उन लड़कों का कुछ ना कुछ सुराग लगाया जा सके। लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि 15 से 20 लड़के पहले हाथों में डंडे लेकर एक फाइनेंस दफ्तर में जाते हैं, और उसके बाद डंडे लेकर हाथों में ही करनाल के सेक्टर 13 में अलग अलग गली में जाते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर लिया है। इस बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। यहाँ को गैदरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ कोई गैदरिंग मिली नहीं। कोई लाठी लूठी हथियार वाले बता रहे थे यहाँ आए हैं? देखो आप मौके पे कोई ऐसा मिला नहीं। अच्छा, हाँ जी।
तो अभी यहाँ कोई ऐसी बात तो रूटीन चेकिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी। पर ऐसे अब जो आचार संहिता लग रही है इसमें हथियार लेके या डंडे लाठी लेके ऐसा कोई करेगा तो सख्त कार्रवाई। आम जनता क्या कहेंगे इस तरह की कार्रवाई ना करें? नहीं बिल्कुल, आम जनता से हमारी अपील आचार संहिता के दौरान आचार संहिता का पालना करें और प्रशासन का इसमें कोई भी हथियार या लेकर ना चले। नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार संहिता के अंदर जो भी आचार संहिता की नियमावली है उसको पालना करें। सर जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर जो है 10 से 20 लड़के जो डंडे लेके खड़े हुए थे, ऐसा जो जानकारी जिसके अकॉर्डिंग आए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मिला। अगर ऐसा होगा तो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं उन लड़कों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं करनाल पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि करनाल के सेक्टर 13 में 15 से 20 लड़के हाथों में डंडे लेकर घूम रहे थे, जिससे लोगों में दहशत थी। और उसके बाद पुलिस की टीमें लगातार उन लड़कों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला रही हैं। लगातार सेक्टर 13 की गली गली में पुलिस घूम रही है ताकि उन लड़कों का कुछ न कुछ सुराग लगाया जा सके। लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि 15 से 20 लड़के पहले हाथों में डंडे लेकर एक फाइनेंस दफ्तर में जाते हैं और उसके बाद डंडे लेकर हाथों में ही करनाल के सेक्टर 13 में अलग अलग गली में जाते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर लिया है। इस बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। यहाँ को गैदरिंग हो रही है लेकिन यहाँ कोई गैदरिंग मिली नहीं। कोई लाठी लूठी जो हथियार वाले बता रहे थे यहाँ आए हैं? देखो आप मौके पे कोई ऐसा मिला नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो अभी यहाँ कोई ऐसी बात तो रूटीन चेकिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी। पर ऐसे अब जो आचार संहिता लग रही है इसमें हथियार लेके या डंडे लाठी लेके ऐसा कोई करेगा तो सख्त कार्रवाई। आम जनता क्या कहेंगे इस तरह की कार्रवाई ना करें? नहीं बिल्कुल, आम जनता से हमारी अपील आचार संहिता के दौरान आचार संहिता का पालना करें और प्रशासन का इसमें कोई भी हथियार या लेकर ना चले। नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार संहिता के अंदर जो भी आचार संहिता की नियमावली है उसको पालना करें। सर जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर जो है 10 से 20 लड़के जो डंडे लेके खड़े हुए थे, ऐसा जो जानकारी जिसके अकॉर्डिंग आए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मिला। अगर ऐसा होगा तो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं उन लड़कों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं करनाल पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि करनाल के सेक्टर 13 में 15 से 20 लड़के हाथों